हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया बेहतरीन। तो शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी के साथ। तो आप सभी तैयार हैं? एक बार यस बोल दीजिए कमेंट सेक्शन। फिर सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके के साथ आप सभी के सामने। आज क्या होने वाला है भाई साहब? आज धमाका होने वाला, आज तो धमाका होने वाला है सर। कैसा धमाका होने वाला है? आज होने वाला है आपके सामने भयंकर रूपानी मंत्रानी कल्याणी तखतरानी तरीके के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल खुजा की क्लास में एचपी पीएससी का जबरदस्त लेवल का एचपी जीके जो है वो आपके सामने लेकर के आ गए हैं एक बार फिर से भयंकर तरीके के साथ। तो आई गाइस रेडी? को यस बोल दीजिए कमेंट सेक्शन, क्योंकि यस यस सुनना चाहिए। अगर यस नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो जल्दी से फटाफट से अपने कारनामे शुरू कर दो भाई। सबसे पहले सेशन को लाइक करो, ऐसे में आगे आज नहीं बढ़ने वाला हूं। एमसीक्यू द्वारा 8:30 पर आप सभी का सुस्वागतम आपके प्यारे विशाल की क्लास में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बिना किसी देरी के साथ। उससे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे कहता उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जीतने की जिद होनी चाहिए मित्रों, कुछ भी पॉसिबल है। सेशन की शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके के साथ। तो आप सभी के सामने कल के सवाल का उत्तर है आपके सामने लिखा हुआ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं थैंक यू सो मच रिस्पेक्टर सर, प्रोवाइड फ्रूटफुल सेशन, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर चंबा से लगभग 45 किलोमीटर दूर सिद्धकुंड का, ठीक है, सिद्धकुंड पंचायत के दवात नामक स्थान पर यह बना शिव मंदिर, शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। ठीक है, तो एक ऐसी रहस्यमयी कहानी शिव मंदिर चंबा का दवात महादेव मंदिर। तो दवात महादेव मंदिर चंबा में है, चंबा से 45 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, अपना चंबा कहते हैं राहगीर 270। ठीक है, सुजाता मेहता कमला ठाकुर सर सर करती हैं। और आगे बढ़ते हैं, काजल वर्मा अपना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश चंबा से 45 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो विक्रांत हेनरी कैवल हिमाचली बॉय किन्नौर वाले। ठीक है, और दीप स्टडी कॉर्नर जो है ये सही उत्तर करते हैं। हिमाचल प्रदेश पटवारी की तैयारी करनी, अभी जानने की इच्छा नहीं है, पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यार, शिमला के रिज मैदान पर किसने हिमाचल प्रदेश को देश का 18वां राज्य घोषित किया था? हु डिक्लेयर्ड शिमला, सॉरी हिमाचल प्रदेश एज द 18th स्टेट ऑफ द कंट्री एज रिज मैदान इन शिमला? वाई एस परमार ने किया था, शिवाजी नमोल ने किया था, ब्रह्मदत्त शर्मा या इंदिरा गांधी? तो समय समाप्त हुआ, इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, रिज के मैदान पर हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य जो है वो घोषित किया था, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। हिमाचल प्रदेश में शिव भूमि किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड शिव भूमि इन हिमाचल प्रदेश? वैजनाथ, मार्कंडेय, भरमौर, त्रिगर्द? फटाफट से बताएंगे 10 सेकंड का समय। देखिए आप सभी के सामने आपको पता होगा शिव भूमि कहते हैं आपकी जो है, भरमौर को कहते हैं भरमौर को, ठीक है, वैजनाथ को क्या कहते हैं, कीर ग्राम कहते हैं, क्या कहते हैं, कीर ग्राम कहते। चलिए त्रिगर्द तो जो है वो कांगड़ा का पुराना नाम है। ठीक है, अगर मैं बात की शिव भूमि जो है वो भरमौर को कहते हैं, भरमौर चंबा में है, चंबा को रावी घाटी के नाम से जाना जाता है, रावी घाटी के नाम से जाना जाता है चंबा को। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं उसके बाद देव घाटी के नाम से किसको जाना, देव घाटी, तो देव घाटी के नाम से किसको जाना है, कुल्लू को जाना जाता है। ठीक है, तो वीर भूमि, तो वीर भूमि किसको जाना जाता है, कांगड़ा को जाना जाता है। ठीक है, कांगड़ा को जाना जाता है। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? फटाफट से बताएं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड? कुल्लू, सिरमौर, बिलासपुर, रोपड़? फटाफट से बताएंगे 10 सेकंड का समय आपके पास। समय समाप्त, समय समाप्त, इतना समय नहीं देंगे दोस्तों आपको, समय समाप्त हुआ। ठीक है, तो सिरमौर जिले में महिमा पुस्तकालय जो है वो नाहन में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नाहन इज राइट आंसर। कहते चंबा का रथ मेला किसका प्रतीक है? बकासुर का है, जरासंध का है, प्रहस्त का है या भस्मासुर का है? 10 सेकंड का समय आपके पास। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आरती, अरविंद नदौन बहुत बढ़िया, श्वेता बहुत बढ़िया, ठीक है, एक्सीलेंट शुभम चौहान, ठीक है, एक्सीलेंट नीतू बहुत बढ़िया, शाबाश पूनम शर्मा बहुत बढ़िया। समय समाप्त, इसका राइट आंसर है भस्मासुर, ऑप्शन इज राइट आंसर ऑप्शन डी। कहता है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार की मृत्यु कब हुई थी? द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉक्टर वाई एस परमार, व्हेन परमार डाई? 1966, 81, 71, 91? फटाफट से बताइए 10 सेकंड का समय आपका। देखिए सबसे पहले बात बताइए लाइक किया सेशन को, नहीं लाइक किया है सेशन को, नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दिए, किया नहीं है तो। आज आपकी जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का मैंने मॉक टेस्ट लिया था एक, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स जो है अभी तक अनुकूल शर्मा के 65 नंबर आए हैं हाईएस्ट मार्क्स। तो तैयारी कर लो भाई साहब, तैयारी कर लो, तो 65 वाले भी ज्यादा खुश ना हो, तो आप रखिए अपना कि 78 तक आपके मार्क्स है। ठीक है, समय समाप्त हुआ,
1981 को 2 मई को इनका निधन जो है वो हुआ था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई? हिमाचल प्रदेश पर्यटन, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड 1962, 1972, 1982, 1992। फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई? 10 सेकंड का समय देखिए आप सभी के पास, फटाफट से, इतना समय ज्यादा हम देते नहीं है, आपको पता है, समय समाप्त हुआ। 1972 ऑप्शन बी राइट आंसर। कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर कौन थी? व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा ऑन द बेस ऑफ एरिया? गुलेर रियासत, कुटलेहर रियासत, सुखेर रियासत, चंबा रियासत। समय समाप्त हुआ, कुटलेहर ऑप्शन बी राइट आंसर। किन्नौर जिला में किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किन्नौर जो है ये जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है? शिमला में आता है, हमीरपुर में आता है, मंडी में आता है, कांगड़ा में आता है। ठीक है, 80 लाख सेकंड का समय आपके पास, फटाफट से मत बताओ, धीरे धीरे बताओ, तुम्हारी मर्जी। समय समाप्त, ऑप्शन सी मंडी में आता है। लाहौल स्पीति में कुट की खेती कब आरंभ हुई? देखिए रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स, रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे। कहते लाहौल स्पीति में कुट की खेती कब आरंभ की गई? व्हेन वाज द कल्टीवेशन ऑफ द क्यूमिन स्टार्टेड इन लाहौल स्पीति? 1945, 1965, 1925 में, 1995। जल्दी से बताएं, चलो इसमें आंसर, ये टाइम इज अप नाउ एंड इट्स 1925, 1925 सारे डन सर। हिमाचल प्रदेश से पहले जुलाई के लिए कौन सा निर्वे सॉरी हिमाचल प्रदेश के लिए पहला कौन निर्विरोध जो है वो चुना गया? ठीक है, तो कौन चुना गया? आनंद चंद जो है वो चुने गए। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से ये पहली जुलाई के लिए, ठीक है, पहली जुलाई के लिए नहीं आएगा, कौन निर्विरोध जो चुना गया? तो ऑप्शन सी इज राइट। सियोल धारा किसकी? ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने दो, ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने दो। ठीक है, चलिए, कहता सियोल धारा किस नदी की सहायक नदी है? फटाफट, सियोल धारा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? रावी, कांगड़ा, सतलुज? ना, रावी निकलती है बड़ा बंगाल से भाई, कांगड़ा से ही निकलती है, कांगड़ा में ही है रावी नदी। सतलुज निकलती है तिब्बत से, चनाब निकलती है टांडी से। ठीक है, ठीक है, चंद्र और भागा का संगम होता है, तो ये रावी नदी की सहायक नदी है। सियोल धारा जो है वो रावी नदी की सहायक नदी। भारत की संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम कब पास किया? भारत की संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम जो है वो कब पास किया? व्हेन डिड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट? 1970 में, 1966 में, 1948 में, या 1972 में? 10 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट से बताएंगे। कहता है व्हेन डिड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट? समय समाप्त हुआ, 18 दिसंबर 1970 को किया था। ऑप्शन जो है 18 दिसंबर 1970 इज राइट आंसर। भारत का प्रथम जीवाश्म उपवन कहां पर है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट फॉसिल पार्क? फर्स्ट फॉसिल पार्क कहां पर है इंडिया का? किन्नौर में है, सिरमौर में है, सोलन में है, मंडी में? 10 सेकंड, 10 सेकंड बहुत कम है, स्पीड में बढ़ाओ यार, शाबाश। देखिए सेशन को लाइक करते जाओ बार बार, ठीक है, हाँ, जितने लाइव हो इतने लाइक करते जाओ यार, शाबाश, जितने लाइव हो उतने लाइक करते जाओ। समय समाप्त, सिरमौर इसका राइट आंसर। ऑप्शन सिरमौर इसका राइट आंसर। सिरमौर के लिए कितना है? 2825 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कहते चकली तांबे के सिक्के को जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? चकली कॉपर कॉइन्स विच एग्जिस्टेड अराउंड 10th सेंचुरी बिलोंग टू विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? कांगड़ा, चंबा, सुंदरनगर, लाहौर? चकली तांबे के जो 10वीं शताब्दी के आसपास ये मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? समय आपका समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर चंबा है, चंबा इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। कहते शिकर बेहू और मुकर बेहू पर्वत चोटियां किस जिले में है? शिखर बेहू या मुकर बेहू माउंटेन पीक्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मंडी, चंबा, कुल्लू, लाहौल? समय आपका समाप्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? लाहौल स्पीति जिला में है, ऑप्शन जो है लाहौल इज राइट आंसर। कहता है विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज रेड रिवर? कहता है हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, समय समाप्त हुआ, चनाब, ब्यास, सतलुज या गंगा? समय समाप्त हुआ, लाल नदी के नाम से जाना, समय समाप्त हुआ, ऑप्शन सी सतलुज नदी से राइट आंसर। सतलुज नदी से राइट आंसर। मैं सतलुज की बात करें, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी, तो सतलुज नदी को जो है वो लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहते टीरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? कहते टीरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? टू होम इज अ क्रेडिट फॉर डेवलपिंग टीरा सुजानपुर एज अ कैपिटल? जगदीश चंद, संसार चंद, बूमर चंद, धोनी चंद? फटाफट से बुमरा चंद। टेहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ये आता है संसार चंद, ऑप्शन बी। संसार चंद जो है इसने बिलासपुर पे आक्रमण किया था, बिलासपुर पे आक्रमण किया था, उसके बाद दौड़ता हुआ आ गया अमर सिंह थापा वापसी वापसी में।
1967 में वर्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स फॉर इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन द ईयर 1967? 68, 70, 63, 42? फटाफट से बताएंगे। 80 करोड़ सेकंड का समय आपके पास। हाँ, समय समाप्त हुआ। 63 सदस्य थे जिसमें 60 सदस्य चुनाव द्वारा, 3 सदस्य मनोनीत करने के द्वारा प्रावधान जो है वो किया गया था। किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था? फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज प्रिंसली स्टेट, गुरु गोविंद सिंह जी डिड अखंड कीर्तन फॉर द 18 स्ट्रेट इयर्स और डेज। ग्वालियर रियासत, मंडी रियासत, सुकेत रियासत, छमर रियासत, इट्स राइट राइट आंसर इज मंडी रियासत इज राइट आंसर। मंडी रियासत इज राइट आंसर। मंडी रियासत 3951 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सुकेत रियासत आल्सो इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड चंबा 6528 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। चलिए, बुशहर रियासत का अंतिम राजा कौन था? हु वॉज लास्ट किंग ऑफ द बुशहर स्टेट? संसार चंद, देवेंद्र सिंह, ईश्वर सेन, पदम सिंह। फटाफट से बताएं। क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके से। लाइक किया तुम लोगों ने कि नहीं किया? किया है। बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो रहे हैं। समय समाप्त। इसका राइट आंसर है पदम सिंह जी का, ऑप्शन डी। शिमला रिज में टाउन हॉल का डिजाइन किसने तैयार किया था? हु डिजाइन द टाउन हॉल इन शिमला रिज, ठीक है। रिज में टाउन हॉल का डिजाइन किसने तैयार किया था? विलियम एमहर्स्ट ने, ठीक है, स्टेपलन कपास ने, हेनरी इरविन ने, या मार्क लकड़ी ने, या मार्क वुड लिखना था यहाँ पे, मार्क वुड ने। फटाफट से बताएंगे। समय समाप्त हुआ। हेनरी इरविन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रानी का कोट किला कहां पर है? वेयर इज रानी का कोट किला? फटाफट से, शाबाश। मंडी, कुल्लू, सरकाघाट, शिमला। रानी का कोट किला जो है वो मंडी जिला में है। ऑप्शन जो है वो बी इज द राइट आंसर, मंडी जिला, ठीक है, मंडी जिला। हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना किस वर्ष में की गई? इन विच ईयर द हिमाचल प्रदेश अकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस वॉज एस्टैब्लिश? 1971, 1968, 1962, 1966, हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, आज बड़ा मजा है। आज बड़ा मजा आया, ठीक है। टेस्ट लिया, सुबह भी टेस्ट लिया हमने, ठीक है, हमने सुबह भी टेस्ट लिया जिसमें हमने हिंदी के क्वेश्चंस पूछे थे और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे थे। जो पढ़ा है हमने वीकली टेस्ट जो है पढ़ा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा उसका, डोंट वरी। और ऐसा है कि वीकली टेस्ट में बहुत अच्छा रहता है कि हफ्ते हफ्ते में जो तुमने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। फिर हमने एचपी पुलिस कांस्टेबल का एक टेस्ट लिया जिसमें 80 नंबर का पेपर कंडक्ट करवाया गया। और हिंदी और इंग्लिश का पेपर जो मैंने खुद क्लास ली, ये जो है वो लाइव ऑनलाइन चला, टेस्ट ऑनलाइन चला, विद टाइमर चला, ठीक है। एक घंटे का टाइम मिला था, ठीक है। कहते नाहन में रानीताल बाग किस राजा ने अपनी क्योंतल घराने की रानी की याद में बनाया था? विच किंग बिल्ट रानीताल बाग इन नाहन इन द मेमोरी ऑफ क्वीन ऑफ हिज क्योंतल फैमिली, ठीक है। तो अगर मैं शमशेर प्रकाश इज राइट आंसर, ऑप्शन ए शमशेर प्रकाश राइट आंसर। किस दर्रे को चौराहे को मिलने वाला दर्रा कहते हैं? कहता है किस दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहते हैं? जांस्कर, ठीक है। विच पास इज कॉल्ड द क्रॉसिंग पॉइंट? जांस्कर, लद्दाख, स्पीति, लाहौल। फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। किस दर्रे को चौराहे को किस दर्रे के चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहते हैं? जांस्कर, लद्दाख, स्पीति, लाहौल, रोहतांग पास, बड़ा बंगाल, बारालाचा दर्रा या खजूरिया दर्रा। समय समाप्त। इसका राइट आंसर है बारालाचा दर्रा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शिमला कालका रेल मार्ग को छड़ी द्वारा सर्वे किसने किया था? हु डिड द सर्वे ऑफ शिमला कालका रेलवे लाइन बाय स्टिक? मेहरचंद, चेतन सिंह, सीताराम, बलकुराम, ठीक है, सीताराम, साधु जी, सीताराम। समय समाप्त। ऑप्शन डी बलकुराम इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। बिलासपुर के किस राजा के शासन काल को काला युग कहा जाता है? द रीन ऑफ विच किंग ऑफ बिलासपुर इज कॉल्ड द ब्लैक एज? दीपचंद, मेहरचंद, खड़गचंद, साहिल वर्मन, ठीक है। एक्सेलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। समय समाप्त हुआ। खड़क चंद, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क चंद।
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, प्रदेश का कुल्लू जिला कितने जिलों से घिरा हुआ है? समय समाप्त, समय समाप्त, समय समाप्त। ठीक है, लाहौल स्पीति से घिरा है, किन्नौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा, तो पांच। संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया किसने किया था? हु लेड हिमाचल प्रदेश इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वाई एस परमार, नरेंद्र शर्मा, खुशलाल ठाकुर, चेतन शर्मा, साहू। तो समय आपका यहीं पर समाप्त हुआ, समय समाप्त, समय समाप्त हुआ। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 2011 की जनगणना के अनुसार संचार के बाद ठीक है दूसरा सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर कम्युनिकेशन? बिलासपुर, कुल्लू, ऊना, सोलन। तो इसका राइट आंसर है सोलन, इसका राइट आंसर है। ऋषि कल्पी स्मारक कहां पर है? वेर इज ऋषि कल्पी मेमोरियल सिचुएटेड? किन्नौर, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा। हाँ बहुत बढ़िया, प्यारे बच्चों यार आप तो प्यारे बच्चों, आपका कोई मोल तोड़ मेल थोड़ी है, ठीक है आप प्यार करते हो यार हमें, हमें प्यार करते हो यार, बहुत बढ़िया। समय समाप्त, इसका राइट आंसर है पोंटा साहिब में, सिरमौर जिला, पोंटा साहिब में, ठीक है सिरमौर जिला में। गढ़कूफर झील हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? गढ़कूफर झील हिमाचल प्रदेश में किस जिले में? गढ़कूफर लेक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मंडी, कुल्लू, चंबा, शिमला। तो 10 सेकंड का समय है, फटाफट से बताएंगे क्विक के ना कमेंट सेक्शन, ठीक है बढ़िया बढ़िया। समय आपका समाप्त, इसका राइट आंसर है। तो शिमला जिले में अन्य जिले भी हैं, चंद्रनाहन झील है, कराली झील है, ब्राह्मणोसर झील है और तानुजुबल झील है, ठीक है समझ लो। कहता है 1967 से 71 के बीच में हिमाचल प्रदेश किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन था? हिमाचल प्रदेश वॉज अंडर द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट बिटवीन 1967 एंड 1961? जम्मू हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर था, ठीक है दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर था, ऑप्शन डी इज राइट। कुल्लू राज्य के किस स्थान को छोटी काशी भी कहा जाता है? कुल्लू राज्य के किस स्थान को छोटी काशी भी कहा जाता है? देखिए मंडी को काशी कहा जाता है, काशी, मंडी को बनारस भी कहा जाता है, काशी भी कहा जाता है, ठीक है ये हिमाचल प्रदेश की काशी है, परंतु कुल्लू की छोटी काशी निरमंड को, निरमंड में 12 साल के बाद मेला होता है और ये परशुराम जी से संबंधित है, ठीक है परशुराम जी, ठीक है। तो परशुराम जी ने हिमाचल के इतिहास में एक बंदा था बड़ा खतरनाक, उसका नाम था सहस्रार अर्जुन। क्या नाम था उसका? सहस्रार अर्जुन। तो सहस्रार अर्जुन की पुंगी बजा दी थी परशुराम जी ने, तो जमदग्नि ऋषि थे उनकी गाय लेकर के भाग गया, ठीक है। और परशुराम जी ने, परशुराम उनके पुत्र थे, जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे परशुराम। उसके बाद परशुराम जी ने ऐसी की तैसी फेर दी, ऑप्शन डी निर्मंड इज राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश का पहला हेरिटेज नगर कौन सा है? विच इज द फर्स्ट हेरिटेज सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिमला है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी का निवास स्थान है? कुल्लू, मनाली, सोलन, जोगिंदरनगर। तो आपको पता ही है एक ही जगह है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आकर के रहते हैं, ठीक है मनाली में, प्रीनी में है मनाली। धर्मचंद नाटक किसने लिखा था? ठीक है दीपचंद, लक्ष्मीचंद, वीरसेन, माणकचंद। धर्मचंद नाटक किसने लिखा? समय समाप्त, इतना समय नहीं होगा, इतना समय थोड़ी है, माणकचंद ने, ठीक है। 1686 में गुरु गोविंद सिंह जी और बिलासपुर, हिंडूर और गढ़वाल के राजा के बीच युद्ध कहां पर हुआ था? देखो हाथी के ऊपर युद्ध होना शुरू हुआ, हाथी के ऊपर युद्ध शुरू हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको बोला पुत्रो रुक जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया कि भाई तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम बताता हूं मैं। गुरु गोविंद सिंह जी गए, गुरु गोविंद सिंह जी ने बिलासपुर, हिंडूर और गढ़वाल ये तो आपस में समधी थे, इन तीनों ने युद्ध करना शुरू कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों ने इसको आगे कर दिया हिंडूर के राजा को, गुरु गोविंद सिंह जी ने मारा तीर, उससे हिंडूर का राजा मर गया, हिंडूर का राजा मर गया। अब ये दोनों डर गए, बिलासपुर के राजा और गढ़वाल के, ये दोनों डर गए कि अब तो काम खराब हो गया, हमारा बंदा तो मर गया, हम तो इसको मारने चले थे, इसने हमारा बंदा मार दिया। इनको लगा एक रियासत तो गई, अब गुरु गोविंद सिंह तो कब्जा कर लेगा इस पे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, बड़ी दरिया दिली दिखाई भाई, उनको वो थोड़ी चाहिए था। उन्होंने क्या किया, हिंडोर रियासत के जो हिंडोर रियासत का राजा था,
उसके पुत्र और उसके वारिस थे उनको वापस कर दिए, उसके सारे कागजात वापस कर दिए, जमीन के कागजात, उसकी रियासत के कागजात। फिर ये बिलासपुर का राजा बड़ा चालाक था, बिलासपुर के राजा ने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ संधि कर ली। हाँ अब ठीक है, ठीक है अब ठीक है, हम आपको छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी आपको छोड़ के थोड़ी जा। तो ये बेसिकली बगानी साहिब गुरुद्वारे में हुआ था, बगानी साहिब गुरुद्वारे में ये वारदात हुई थी। ठीक है, तो बगानी साहिब, उसके बाद मुगलों के खिलाफ जो है गुरु गोविंद सिंह ने बिलासपुर के राजा की मदद की थी। चलिए, तो ये हाथी, सफेद हाथी किसने गिफ्ट दिया था? ये गिफ्ट दिया था असम की रानी ने। किसने दिया था? असम की रानी ने गिफ्ट दिया था। बहुत बढ़िया। कह रहे बिलासपुर बैंक की स्थापना किस वर्ष की? इन विच ईयर द बिलासपुर बैंक वाज एस्टेब्लिश? 1942, 62, 40 या 98? तो समय समाप्त हुआ, बिलासपुर बैंक की स्थापना 1944 में की गई। द्रौपदी का अंतिम संस्कार कहां पर हुआ था? द्रौपदी का अंतिम संस्कार कहां पर हुआ था? When was द्रौपदी's last rite performed? तो द्रौपदी जो महाभारत की पात्र, पांच पांडवों की पत्नी, तो ये हुआ था टांडी में। टांडी में संगम होता है, चंद्रा नदी का संगम होता है और भागा नदी का होता है। ठीक है, चिनाब नदी बनती है, चिनाब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति किस राजा ने स्थापित की थी? कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति किस राजा ने स्थापित की थी? विच किंग इंस्टॉल द आइडल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू? राजा जगत सिंह, राजा कुल्लू वीर, राजा मंडलीक, राजा सुरगलदेव। ठीक है, तो राजा कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति किस राजा ने स्थापित की थी? विच किंग इंस्टॉल द आइडल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू? राजा जगत सिंह, राजा कुल्लू वीर, राजा मंडलीक या राजा सुरगल? तो राजा जगत सिंह इज राइट आंसर। राजा जगत सिंह ऑप्शन इज राइट आंसर। कहता है हिमाचल प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना कब खोला गया? When was the first woman police station हिमाचल प्रदेश ओपन? 98, 99, 2000, 2014। बहुत बढ़िया, बहुत आसान से सवाल है, बहुत बढ़िया तरीके से जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग, सब लोग आंसर करेंगे। समय समाप्त 2014 में किया गया। रघुनाथ, ठीक है, तो कुछ लोग हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी पॉपुलर हैं और उन्होंने कहा था कि 2014 में देश आजाद हुआ। क्या ये बात सच है? यस या नो? तो तभी, क्योंकि देश आजाद हुआ तभी तो पुलिस स्टेशन बना हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना कब खोला गया? 2014 में। तो कुछ लोग कहते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ। क्या देश तब आजाद हुआ? अगर ठीक है पहले हुआ होता तो पहले थाना खुला होता। आगे बढ़ते, तो उसका नाम बताओ। रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कौन लाए? हु ब्रॉट द आइडल ऑफ रघुनाथ जी फ्रॉम अयोध्या? जगदीप सिंह, जगदीप चंद, दामोदर दास मोदी, दामोदर दास। फटाफट समय, एक लड़के का मुझे मैसेज आया कल, सर जी आपके बीजेपी आईटी सेल से हो गया, जो आप सुखविंदर सिंह सुखू जी को बार बार उनके खिलाफ वीडियो बनाते हो। देखो मैंने उनके पक्ष में भी वीडियो बनाई, ठीक है, खिलाफ भी वीडियो बनाई। देखो जहां पक्ष रखने की बात होगी वहां पक्ष रखेंगे, जहां अच्छा नहीं लगेगा क्रिटिसाइज कौन करेगा? आप लोग करोगे ना, आप ही लोग करोगे, आप लोग कर सकते हो क्रिटिसाइज, यू कैन क्रिटिसाइज। हम लोग, मैं भी कर सकता हूँ क्रिटिसाइज, हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो औरों की सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे? लोकतंत्र क्या होता है कि सरकार ट्रैक से बाहर ना जाए। अगर सरकार ट्रैक से बाहर जा रही है, हम बोल ही नहीं रहे हैं, वो बात थोड़ी बनती है। अगर हम कुछ भी करते रहें, कुछ भी करते रहें और सरकार अपनी मर्जी से चल रही है, लोकतंत्र थोड़ी हुआ। समझ आ रही है? जैसे एग्जाम नहीं हो रहे, सरकार के कान के ऊपर कुछ रेंग रहा है, सरकार तनख्वाह नहीं दे पा रही, क्यों? पैसा ही नहीं है। क्यों? ये सबसे बड़ा कारण होगा, पैसा नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश के लोगों का क्या कसूर है? ठीक है, तो ऐसा है कि अगर मैं वीडियो बना दूं तो मुझे बोलते हैं तुम बीजेपी से हो, जब मैं कंगना रनौत के बारे में बोलूंगा फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ठीक है अब बीजेपी वाले तो मुझे नहीं बोलेंगे ना, बीजेपी वाले मुझे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे हाँ ठीक है कांग्रेस की सरकार है, ठीक है भाई उनके पक्ष में बोल रहा है, ठीक है
बीजेपी वाले बेचारे चुप करके बैठे हैं क्योंकि यहाँ हिमाचल में हार गए ना। तो अगर मैं कंगना रनौत के बारे में बोलूंगा तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब हंसेंगे। और जब मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में बोलूंगा तो मुझे बोलेंगे तुम बीजेपी आई टी सेल के हो। अगर मैं मोदी जी को ट्रोल करूंगा, सुक्खू जी को ट्रोल करूंगा, राहुल गांधी को ट्रोल करूंगा, हर एक बंदा सामने से आकर के मेरे को पंच मारेगा। ठीक है, वाई आर यू ट्रोलिंग दिस, वाई आर यू ट्रोलिंग हिम, वाई आर यू ट्रोलिंग, वाई आर नॉट। ठीक है, तो हमारा राजनीति से उतना ही है जितना तुम लोगों का है। ठीक है, जितना तुम लोगों का है उतना ही हमारा भी राजनीति से ताल्लुकात है। ठीक है, तो हर एक बंदे की होती है कि भाई सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, हमारी भी नजर होती है, हम भी तो इसी देश में रहते हैं, तो हम बोलेंगे, जहां गलत होगा पटाख से बोलेंगे, जो गलत होगा बोलेंगे। सुक्खू जी पे, सुक्खू जी ने एचपीएसएससी को सस्पेंड किया, सबसे पहले वेलकम स्टेप लिया। ठीक है, सब कुछ ठीक है, सबसे पहले वीडियो में नहीं बनाई थी जब एचपीएसएससी को कैंसिल किया था, तो मैंने सुक्खू जी की तारीफ करी थी, बहुत अच्छा स्टेप लिया है, परंतु वो ऐसी तारीफ हो गई है, उसके बाद तारीफ नहीं हुई। ठीक है, ऐसी बात है। तो ऑप्शन डी दामोदर दास। 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले नालागढ़ किसका भाग था? नालागढ़ वॉज अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट बिफोर इट्स मर्जर विद हिमाचल प्रदेश? रोपड़, बिलासपुर, पौंटा साहिब, अंबाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंबाला इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में एशिया के सबसे ऊंचे हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहां पर है? नाहन में, रुकमणी में, रोहिणी में, शिलारू में। पढ़ाओ से समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन शिलारू, शिलारू शिमला में है, शिलारू शिमला में है। रिंग लीडर्स नाम किसे दिया गया है? जल्दी सुनाए, हुज नेम्ड, हु वॉज नेम्ड रिंग लीडर्स? समय समाप्त हुआ। ऑप्शन बी पजोता आंदोलन। ठीक है, पजोता आंदोलन। कहता 1934 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू पास द पंचायती राज एक्ट इन 1934? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके से। कमेंट सेक्शन, गुलेर, त्रिगर्त, मंडी, कहलूर। तो समय समाप्त हुआ। ऑप्शन सी मंडी। 1934 में पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? यह आपकी मंडी रियासत थी। निम्नांकित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? पोताशन है, कृषाणु है, यातुधान है, या वैश्वानर है? ठीक है, निम्नांकित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? पोताशन, कृषाणु, यातुधान, या वैश्वानर? समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या है? एचपी जीके हो गई है। ठीक है, बताना भूल गया। ठीक है, बताना भूल गया, एचपी जीके हो गई है। तो थोड़े से हिंदी के सवाल है। ठीक है, समय समाप्त हुआ। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होताशु, उताशन, कृषाणु, वैश्वानर। सोने का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो सोने का पर्यायवाची शब्द है, सोने के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वर्ण है, कंचन है, कनक है, हेम है, कुंदन है, तपनीय है, महाराजत है। तो सोने का पर्यायवाची शब्द है जातरूप। रतिपति का समानार्थी शब्द क्या है? अलकापुरी, निशाचर, पंचशर, जगदीश। रतिपति का समानार्थी शब्द क्या है? ठीक है, तो पंचशर जो है, अगर मैं बात करता हूं, पांच बाणों वाले को पंचशर कहते हैं, अर्थात कामदेव कहते हैं। कहते निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द का सही मेल नहीं है? कमल, अरविंद, बादल, मेघ, अग्नि, अनिल, रात्रि, यमिनी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी से आंसर करो यार। सेशन को लाइक कर दो यार, सेशन को लाइक कर दो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी भूल जाते हो। हाँ, तुम जितने लाइव हो उतने लाइक कर दो। समय समाप्त हुआ। अग्नि का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब हवा होता है, इसलिए सही मेल नहीं है। अग्नि के पर्यायवाची शब्द अनल, पावक, दहल, ज्वल आदि। कहता है रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का सही चिन्ह, संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न व्यक्ति आसन की व्यथा नहीं जान सकता, संपन्न व्यक्ति निष्पन्न की व्यथा नहीं जान सकता, संपन्न व्यक्ति विष्पन्न की व्यवस्था नहीं जान सकता, या संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यवस्था नहीं जान सकता। समय समाप्त। विपन्न इस राइट आंसर। मातृणुमति शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। 10 सेकंड का समय आपके पास। बहुत बढ़िया, 5-6 सवाल है। समय समाप्त। इसका राइट आंसर है यण संधि। इस राइट आंसर यण संधि। भाव यमा अर्थ कौन सी संधि है?
दीर्घ स्वर संधि है, गुण संधि है, यन स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। फटाफट से बनाइए। समय समाप्त हुआ। भाव अर्थ इसमें दीर्घ स्वर संधि है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, कहते अत्यावश्यक उदाहरण है यन संधि का, अयादि संधि का, दीर्घ संधि का, गुण संधि का। अत्यावश्यक, 10 सेकंड ओनली, 10 सेकंड ओनली यू हैव, ठीक है, यू हैव ओनली 10 सेकंड। बहुत बढ़िया, समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर यन संधि, राइट आंसर यन संधि। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उत्तर का विकल्प चयन करें जो उपसर्ग से बना। शेरनी, रसोईया, सुनार, उत्पात। फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर उत्पात, इसका राइट आंसर उत्पात। निरूपण में उपसर्ग कौन सा है? निर, निर, नी, नी। समाप्त, समाप्त, एक्स। चलिए, ठीक है, तो निरूपण में उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? लिखना, लिखाई, लेख या सुलेख। समय समाप्त हुआ। जो लिख जमा आई लिखाई, तो मूल शब्द जो आई प्रत्यय है इसमें जो लगा हुआ, ठीक है, तो भाववाचक है। भाव क्या है? लिखने का भाव आ रहा है, लिखाई जो है भाव। इसके बाद मैं बात करता हूं आपके सामने, ठीक है, वे अपनी जैसे लिखाई जो है वो उसका मसौदा तैयार करते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, लिखाई। निम्नलिखित प्रश्न में से भेद का बताइए, क्रिया का भेद। वह बीच में ही बोल उठा, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। फटाफट बताएं। वह बीच में ही बोल उठा, निम्नलिखित में से क्रिया का भेद बताइए। समय समाप्त हुआ। संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन डी। विकास डैश है, सुलाता है, सुलवाता है, सोते हैं, सोता है। तो समय समाप्त, बहुत आसान, विकास सोता है। वह धीमे धीमे हंस रही थी, ठीक है, तो बुलाती है मगर जाने का नहीं। वह धीमे धीमे हंस रही थी, वाक्य का रेखांकित अंश क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, समयवाचक, परिमाणवाचक। समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? वह धीमे धीमे, जब भी हम बात करें धीमे धीमे, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन। समय समाप्त हुआ। वह धीमे धीमे हंस रही थी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। धीमे धीमे शब्दों में हमें हंसने की गति के बारे में बताया गया है, ठीक है, पता है ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएंगे। तो आपने इसका आंसर बताया नीचे इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई साहब, अगर आप आंसर बताएंगे तो जैसे पहले बच्चों का नाम आया ना, वैसे ही आपका नाम भी आएगा। हु वॉज फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ स्टेट वुमेन कमीशन? विद्या स्टोक्स, रानी रमणी कौर, सरोज शर्मा या महिला जयवर्धने? इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन, जो बताएगा उसका नाम आएगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते ऐसे आपके नाम आएंगे तो बता देना। हिमाचल प्रदेश की तैयारी करना चाहते, 27 तारीख से बैच शुरू, 27 जून 2023 बैच शुरू हो रहा है, फटाफट से बैठ जाएंगे। 199 रुपए में प्रिपरेशन होगी, पूरी की पूरी फुल टू अटैक। हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी 99 रुपीज में शुरू हो रही है, जुड़ सकते हैं आप बराबर मात्रा में। ये नीचे गूगल पे नंबर 96-222-50-73, स्क्रीनशॉट भेज देना, जुड़ जाना। पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। इकट्ठी पीडीएफ भेजूंगा 10 दिन की, ठीक है, 10 दिन की भेजूंगा बराबर मात्रा में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद। तो पता क्या किया करो, जब आप कोई काम करते हो ना, तो थोड़ा सा उसमें अपनी पढ़ाई का भी थोड़ा कर लिया, थोड़ा हो बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा फ्लो बन जाता है। तो एक ही बात बोलूंगा, मेहनत करना बंद नहीं करनी है, और पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है, डेली पढ़ना है। सरकार नौकरी दे रही है या नहीं दे रही, तुमने जरूर पढ़ना है। शेयर करना है वीडियो को, लाइक करना है सेशन को, मैं बोलता हूँ तुम्हें, ठीक है, क्योंकि आप हमारे प्यारे बच्चों ना, डेली आते हो ना क्लास में, हमारे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आप, आपका ही अपना चैनल है ना प्यारा प्यारा, तो सब्सक्राइब कर देना इसको, ठीक है। और आपके प्यारे विशाल कुजरिया सर की क्लास में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली किसी क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।
जय हिंद जय हिमाचल, टेक केयर, टेक केयर, चक दे फटे। बहुत बढ़िया।